सो फाइनली काफ़ी टाइम चर्चों से चल रही एक मूवी हम दो हमारे बाहर जो कि फाइनली रिलीज़ होने वाली है। मैं दोस्तों ये जो मूवी है आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और इसको बॉयकॉट किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी में कुछ अपडेट्स निकल कर आई हैं। वही दोस्तों इस मूवी की रिलीज भी फाइनलाइज होगी जो कि मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मनीष और आज मैं बात करने वाला हूँ एक अपकमिंग मूवी हम दो हमारे बारह के बारे में। नज़र डालूँ उसके सारे अपडेट्स पर डिस्कस करने वाला हूँ उसकी स्टोरी का रिलीज डेट और ट्रेलर के बारे में। मैं दोस्तों आपको भी एक यूनिक कंसेप्ट बेस पर मूवीज पसंद आ जाए तो दोस्तों ये वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली इस मूवी का जो नाम है उसको चेंज कर दिया गया है। दोस्तों पहले इस मूवी का नाम था हम दो हमारे बार, लेकिन दोस्तों अब मेकर्स ने इस मूवी का नाम चेंज करके हमारे बारह टाइटल कर दिया गया। और वहीं दोस्तों जो मूवी है इस मूवी को कमल कांद्रा जो कि डायरेक्ट करते नजर आने वाले और रंजन अग्रवाल ने इस मूवी को लिखा है। वहीं दोस्तों ये मूवी जो कि जल्दी आप लोगों को सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों मेकर्स ने इस मूवी की रिलीज डेट जो कि फाइनली फाइनलाइज कर दी गई। दोस्तों ये मूवी आपको 7 जून को अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों Z5 स्टूडियोज जो कि इस मूवी को प्रोड्यूस करता नजर आने वाला है। मैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों स्टोरी का कंसेप्ट तो आप लोगों को इस मूवी के नाम से ही पता चल सकता है। और मैं दोस्तों जो इसका कंसेप्ट है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, एक अलग एक्सपीरियंस देगा इस मूवी का कंसेप्ट और किस तरीके से जो मेकर्स है ये इस एक सोशल इशू को या इस तरीके से जो एक इशू बना हुआ है उसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, मेन सस्पेंस मेन प्लॉट होने वाला है। और मैं दोस्तों पहले इस मूवी का नाम था हम दो हमारे बारह और दोस्तों ये जो मूवी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल की गई है और बॉयकॉट की जा रही है, इसलिए मेकर्स ने इस मूवी का नाम चेंज कर दिया है। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये मूवी सिनेमाघरों में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते बात करते इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में आप अश्वनी कैलाशकर, मनोज जोशी, अनु कपूर, राहुल बग्गा, पार्थ समर्थन जो कि एक लीड रोल में नजर आने वाले हैं। हमें जैसा आप अनु कपूर और अश्वनी कालशेखर में से किसके बिग फैन हो कमेंट बॉक्स अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट इस मूवी से रिगार्डिंग। दोस्तों इन फ्यूचर कोई भी नई अपडेट आएगी तो दोस्तों आपको चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों आपको क्या लगता है जो ये मूवी है ये जो ये सच्चाई है, ये जो एक मुस्लिम कौम है उसकी जो सच्चाई है वो किस तरीके से बाहर आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, और ये जो कंसेप्ट है वो क्या सिनेमाघरों में देखने लायक कंसेप्ट है या नहीं है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।